नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी और हम चर्चा कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड में शशि थरूर द्वारा दिए गए भाषण की। जयदीप जी, ऐसा क्या खास है उस भाषण में जो इतनी चर्चा हो रही है उसकी? झाला जी, इसके कई बिंदु हैं। शशि थरूर एक तो संयुक्त राष्ट्र में रहे हैं, वहां काम किया है और उनकी एक अलग प्रकार की छवि है और कुछ तो विवादास्पद बयानों की वजह से वो जाने जाते हैं, लेकिन एक बात तय है कि उनके पास जो भाषा है और बोलने की जो कला है वो बेहतर है। लेकिन जिस मुद्दे पर उन्होंने देखिए, एक तो ऑक्सफोर्ड की जो डिबेट्स होती हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रतिष्ठित हैं। ऑक्सफोर्ड में बोलना अपने आप में मायने रखता है और ऑक्सफोर्ड की जो बहस होती है दुनिया उसको बहुत सम्मान की नज़र से देखती है। ऑक्सफोर्ड में बहस ये हुई थी कि जो उपनिवेश थे, ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश थे, उनके साथ ब्रिटिश सरकार का जो व्यवहार था वो अच्छा था या बुरा था, और जो ब्रिटिश सरकार ने इन उपनिवेशों के साथ किया, क्या उसकी वजह से उन्हें इन देशों को कोई हर्जाना देना चाहिए। तो देखिए, एक विषय बहुत दिलचस्प था, सबसे बड़ी बात यह। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान हमेशा, ये जो अपनी 200 साल की गुलामी, इससे अभी हम कोई बहुत जल्दी हम बाहर नहीं आ गए। हम हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की और उस पीढ़ी के लोगों की जिन्होंने गुलामी देखी, अभी भी हैं वो लोग, थोड़े उम्रदराज हैं लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने जो 65-70 साल पहले हिंदुस्तान ने आज़ादी की सांस ली है उसके पहले का समय और जुल्म का दौर देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने अपने दादा और परदादा के मुंह से उसको सुना है। तो ये एक ताज़ा जख्म है जिसको आप जब भी कुरेदेंगे तो वो हरा होगा और उस जख्म से निकलने वाली जो पीड़ा है वो दूर तक जाएगी और उसकी उसकी जो टीस है वो आपको हमेशा सालती रहेगी। तो अंग्रेजों की जो गुलामी हिंदुस्तान ने सही है वो एक बड़ा दर्द है। आप देखिए तो हिंदुस्तान अभी पिछले 65-66 सालों में दरअसल उसी पीड़ा से बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रहा है। एक, जिस तरीके से हमने किताबों में पढ़ा है, जिस तरीके से हमने इतिहास को समझा है, उससे भी हमें ये पता लगता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जम के लूटा। हमें ये बताया गया कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमें ये बताया गया कि हिंदुस्तान के जो मसाले और रेशम के वस्त्र थे वो दुनिया भर में मशहूर थे और सारे जो यहाँ के व्यापारी हैं वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे दुनिया में और उनके पास ऐसा पैसा, दौलत और शोहरत थी कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, और सोने की चिड़िया भी हिंदुस्तान इसीलिए कहा जाता था। तो उस सोने की चिड़िया के पर आखिर किसने नोचे? अंग्रेजों ने नोचे, ये हमारे पास इतिहास में दर्ज है और मान्यता है। लेकिन उस मान्यता को विश्व मंच पर उस तरह की आवाज जब भी मिलेगी तब निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान से ऐसी प्रतिक्रिया आएगी। अभी हम हिंदुस्तान में दलों और क्षेत्रों की लड़ाई में झगड़े हुए हैं, हमारे पास रोल मॉडल और हीरोज की कमी है, हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत भावप्रवण तरीके से अपनी बात रखकर तर्कों के आधार पर हिंदुस्तान की बात को विश्व मंच पर मजबूती से रख सके, इसकी कमी है। मोदी जी जब विदेश में जाके हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उन्हें भी प्रशंसा इसलिए मिलती है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे उसी अंग्रेज सरकार की, उसी ऑक्सफोर्ड में जाकर बोलना जहाँ जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और उन्हीं अंग्रेजों के बीच में जाकर बोलना कि जिन्होंने हम पर, अभी वर्तमान जो अंग्रेजों की पीढ़ी है वो हमारे देश की गुलामी के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार भले ही ना हो, लेकिन यही थरूर ने वहां पर भी कहा कि आपके जो पूर्वज थे, आपके जो वंशज थे, आपके जो दादा परदादा थे, उन्होंने जिस तरह के जुल्म हिंदुस्तान पर किए पहले उन्हें देखिए। तो जब आप कहते हैं कि आपने आकर हमारे यहां पर रेल सेवा दी, उनके जो विपक्ष में तर्क दिए गए पहले आप वो सुनिए। अंग्रेजों की तरफ से तर्क ये थे कि हमने तो जो कुछ भी नहीं था आपके पास, भौतिक संसाधन नहीं थे, विकास नहीं था, उसको हमने किया, हमने रेल की लाइनें बिछाई, सड़कें बनाई, व्यापार के आपके द्वार खोले। तो इन सारे तर्कों की धज्जियां उड़ाते हुए शशि थरूर ने अपने इस बहुचर्चित और ऐतिहासिक भाषण में यह कहा कि जब हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों के पहले कदम बढ़े थे तो विश्व व्यापार में हिंदुस्तान का योगदान 23% था, और जिस दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज इस धरती को छोड़कर गए हैं उस दिन हमारा यह योगदान केवल 3% से 4% के बीच में रह गया। तो आप बताइए कि अंग्रेजों के आने से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप कहते हैं कि आपने रेल लाइनें बिछाई, लेकिन वो रेल लाइनें अपने आप को, माल को ढोने के लिए, अपने सामान को, हिंदुस्तान के सामान को यहां से ले जाकर दुनिया में बेचने के लिए उसका उपयोग किया, इसलिए आपने रेल लाइनें बिछाई। आपके अंग्रेज अफसरों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो इसलिए आपने सड़कें बनाई, आपने अपने बड़े बड़े बंगले और आउटहाउस बनाए ताकि आप शान से रह सके। विश्व युद्धों में भारत के सैनिकों के योगदान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी लेकिन उसका जो सारा श्रेय था वो अंग्रेजों को मिला। अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में जिनके घरों को नुकसान हुआ उनको तो मुआवजा दिया, लेकिन जो भारतीय सैनिक मारे गए उनके परिवार को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। मुझे लगता है कि इन बातों को तथ्य सहित जब विश्व मंच पर रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर से देशभक्ति की एक हिलोर जागेगी, और उस हिलोर की आवाज हमें अभी सुनाई दे रही है। जयदीप जी, अंग्रेजों की भूमि पर अंग्रेजों को ही लताड़ना वाकई बड़ी बात है और सराहनीय भी। देखिए, एक तो यह है कि वहां कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, वहां कोई युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों ने यह मौका उपलब्ध कराया था।
उन्होंने ये बहस रखी थी कि तमाम जो उपनिवेश हैं जिन पर ब्रिटिश शासन ने राज किया है, हुकूमत की, वो लोग आए और इस विषय पर अपनी बात रखें। ये अच्छी बात है कि उन्होंने खुले दिल से वहां पर मंच दिया, लेकिन जब मंच दिया तो उसका सही इस्तेमाल किसने किया? और भी लोग आए थे, सभी लोगों ने बोला। आठवें क्रम पर जब शशि थरूर बोलने आए तो उन्होंने पहले के जो लोगों ने बोला था, एक तो उनके तर्कों की धज्जियां उड़ाई, दूसरा इतनी लंबी बहस हो चुकने के बाद भी उन्होंने विषय को नए सिरे से रखा। जब उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों के शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था ऐसा कहा जाता है, तो उन्होंने कहा मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि भगवान को भी भरोसा नहीं था कि अंधेरे में ये अंग्रेज क्या कर बैठेंगे। तो उन्होंने इस तरह की चुटकियां भी ली। उन्होंने लॉर्ड क्लाइव के बारे में कहा कि वो क्लाइव जिनको आप मानते थे कि वो देश चला रहे हैं और कहीं वो सोचते थे कि ये सारा देश ही उनका है, मतलब वो हिंदुस्तान को अपनी मिल्कियत समझते थे। तो इस तरह के तंज उन्होंने किए, इस तरह के चुटीले अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी, तथ्यों और प्रमाण सहित रखी, और उन्होंने एक वहां पर सदन को ये समझने पर मजबूर कर दिया कि ये तो जिम्मेदारी बनती है ब्रिटिश सरकार की कि वो मुआवजा दे और जिस जो नुकसान हिंदुस्तान जैसे अन्य उपनिवेशों ने उठाया है उसकी भरपाई करे। उन्होंने ये भी कहा कि आपके जो स्कॉटलैंड की तरक्की हुई है वो वहां से, आप जब वहां गरीबी थी वो लोग भुगत रहे थे, उनके पास कोई आय का साधन नहीं था, तो वहां के मजदूर हैं उनको यहां लाकर लगाया गया। जिस रेलवे लाइन को भी आप बनाने की बात करते हो, उस रेलवे लाइन को बनाने की लागत उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा थी क्योंकि आपने पैसा खर्च करके उन लोगों को दिया जो आपके देश से और आपके आसपास के प्रांतों से आते थे। तो स्कॉटलैंड के लोग वहां पर आए और उनको खूब पैसा मिला, और उन्होंने बहुत अच्छा तंज भी किया जो वर्तमान स्थिति है वहां पर यूनाइटेड किंगडम की उसको लेकर, कि स्कॉटलैंड इसीलिए उस वक्त आपसे खुश था लेकिन आज वो आपसे अलग हो जाना चाहता है क्योंकि हिंदुस्तान के पैसों पर आपने स्कॉटलैंड जैसे आपके क्षेत्र की तरक्की की। तो मुझे लगता है कि जो उनके पास अध्ययन है, जो उनके पास विश्व की और भारतीय इतिहास की समझ है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए, और उन्हें मजे की बात यह है कि केवल 7-8 मिनट में अपनी बात कहनी थी, उनके पास कोई आधे या पौने घंटे का समय नहीं था, लेकिन इतने कम समय में भी पूरे तथ्यों को सामने रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने बात की, इसलिए उसकी इतनी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी हो रही है कि शशि थरूर हालांकि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब उन्होंने उस मंच पर बात रखी है तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में रखी है और वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उठकर अपनी बात रख रहे थे, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शशि थरूर के इस भाषण की प्रशंसा की है। अहम बात यह है कि अंग्रेजों ने भी इस भाषण को सराहा, तालियां भी बजाई। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आया कि ये बंदा जो बात कह रहा है उस बात में दम है। उनके तर्क थे, तर्क के साथ चुटीले वाकयात भी उन्होंने वहां पर जाहिर किए सदन में, और उससे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों को भी अब ये समझ में आ गया है कि उनके पूर्वजों ने जो किया दुनिया के साथ वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए आज वो अपनी जो संसद है उसके सामने गांधी जी की प्रतिमा लगाने को मजबूर हुए हैं। उन गांधी की प्रतिमा लगाने को मजबूर हुए हैं जो वो ब्रिटिश शासन जब हिंदुस्तान में था वो फूटी आंख नहीं सुहाते थे गांधी। एक और वाकया जो उसी में ऑक्सफोर्ड की अपनी बहस में शशि थरूर जी ने सुनाया है, वो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भारत में लोगों को भूखे मरने पर ब्रिटिश शासन ने मजबूर कर दिया था। उन्होंने बताया कि सबसे मशहूर तो बंगाल का वो अकाल है जिसमें लाखों लोग काल के गाल में समा गए थे और ब्रिटिश सरकार ने वहां पर पैसा लगाकर लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की बजाय वो सारा का सारा पैसा, सारा का सारा फंड दूसरी जगहों पर लगा दिया था, और यहां पर जो उनके वॉयसराय थे और यहां पर दूसरे ब्रिटेन के अधिकारी थे वो तक सहम गए थे और उनकी आत्मा तक हिल गई थी इस क्रूरता को देखकर। तब उन्होंने विंस्टन चर्चिल को चिट्ठी लिखी थी जो तब भारत के ब्रिटेन पर राज कर रहे थे, उनके प्रधानमंत्री को, उनको कहा था कि देखिए यहां पर लोग भूखों मर रहे हैं और लोगों का जीना मुश्किल हो गया और ये अकाल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत गंभीर है। तो उस पर साइड में एक विंस्टन चर्चिल का नोट था जिसका जिक्र शशि थरूर ने अपने भाषण में किया, तो विंस्टन चर्चिल ने लिखा था कि जब इतने लोग हिंदुस्तान में अकाल से मर रहे हैं तो गांधी जिंदा कैसे हैं। तो इससे समझ में आता है कि गांधी को लेकर वो किस तरह के विचार रखते थे, अकाल को लेकर वो किस तरह के विचार रखते थे, हिंदुस्तान की जनता को किस तरह उन्होंने भूखे मरने पर मजबूर कर दिया था, और जब इन बातों को उन्होंने तथ्य सहित प्रमाण सहित उठाया तो निश्चित तौर पर उन्होंने सही जगह पर मर्म पर चोट की थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा ये जो एक 200 साल का पीड़ादायक अध्याय है उसको उन्होंने फिर एक तरीके से दुनिया के सामने उघाड़ कर रखा, और हिंदुस्तान की जनता जिसको लगता है कि हमें लूट लिया गया वरना हम कहीं समृद्ध और कहीं विकसित होते, उसको भी कहीं ना कहीं इस बात से राहत मिली कि इस बात को कम से कम उन अंग्रेजों के सामने रखा गया जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। इस भाषण से हमारे दूसरे नेता क्या प्रेरणा ले सकते हैं?
वो बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि वो ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आप विश्व मंच पर बोल रहे हैं तो आप कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप अन्ना द्रमुक या द्रमुक के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं, और जब तक आप हिंदुस्तान की बात करते रहेंगे तभी जाकर आप अपने पार्टी के भी सच्चे प्रतिनिधि बन पाएंगे और हिंदुस्तान की जनता आपको सर आंखों पर बिठाइए। आप देखिए कि सारे तबकों से, हिंदुस्तान के सारे तबकों और जाति धर्म के लोगों से शशि थरूर के इस भाषण की प्रशंसा हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद हिलोरे लेता है, वो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए जो सदियों तक हम पर होता रहा है। ऐसे किसी भी अत्याचार के खिलाफ अगर आप सही मंच पर सही तरीके से आवाज उठाते हैं तो उसकी प्रशंसा होती है। मुझे लगता है कि इसको केवल इस भाषण तक, इस बहस तक सीमित न रखते हुए आगे इस बहस को ले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इतनी बहस केवल बहस की खातिर हुई है तो इसको वास्तविकता में कुछ और व्यावहारिक मुद्दों तक लाना चाहिए। जैसे मेरा सवाल यह है कि अगर इस तरह की बहस हुई है तो फिर मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं जिसमें वो तमाम देश जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन काल में उपनिवेश रहे हैं वो शामिल होते हैं और आपस में, खेल एक अलग चीज है, खेल से कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन ब्रिटिश शासन ये याद हमको भी क्यों दिलाना चाहता और खुद भी क्यों याद रखना चाहता कि इतने देशों पर उसने शासन किया था? कॉमनवेल्थ खेलों के क्या मायने? मुझे लगता है कि अब इस तरह के सवाल भी उठाने जरूरी है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे शशि थरूर के भाषण की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।